कहते हैं कि अपनी जांच करो, लेकिन हम जांच करते हैं, लेकिन जांच करने के पहले क्या करते हैं, देह अभिमान का फिल्टर लगा के जांच करते हैं, है ना। और जहाँ देह अभिमान होता है वहाँ मालूम ही नहीं पड़ता क्या है, और अगर कोई बता भी दे कि ये कमी है ये कमज़ोरी है तो सोचेंगे हाँ इन्हीं को कोई प्रॉब्लम है मुझसे इसीलिए कहते हैं, तो वो भी अपने अंदर जांच नहीं कर पाते, है ना। फिर हम भी सोचते हैं चलो तकदीर क्या करें, लेकिन जांच करने के लिए भी तो बहुत अच्छा क्लीन देही अभिमानी स्थिति चाहिए। तो ये सब बातें भी कभी कभी बुद्धि में ऐसे आती हैं कि बच्चे देखो इतनी मुरली सुनते हैं इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन जब देह अभिमान का वार होता है तो जान नहीं पाते हैं। और आप देखो दुनिया में जब तूफान आते हैं बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, अब देखने में आता है तो सोचते हैं कि इतना बड़ा पेड़ क्या, ऐसा तो कोई तूफान भी नहीं आया जो गिर गया, लेकिन वो पेड़ गिर क्यों जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें खोखली हैं, है ना, पहले ही ना खा चुका है सब कुछ जड़ों को। तो जब एक झोंका आता है गिर जाते हैं, तो उस तूफान से नहीं गिरे लेकिन खोखली जड़ों के कारण गिरते हैं। ऐसे ही कई बार माया हमारी जड़ें खोखली करती जाती है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता, है ना। सबसे पहले माया क्या सिखाती है, झूठ बोलना सिखाती है, माया झूठ बोलना सिखाती है। पूछा जाएगा ना क्लास में क्यों नहीं आए, झूठ बोल देंगे, है ना, या कोई ऐसा कारण बताएंगे जो सामने वाला कह ही ना सके कि इस कारण को पार करके आ जाते। तो ये जो झूठ बोलना बातें छिपाना ये सब क्या है, है ना। जैसे बच्चे जब जवान होने लगते हैं तो सबसे पहले निशाने क्या दिखाई देते हैं, हाँ झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलते हैं तो मालूम पड़ता है ये अब गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। तो इसी प्रकार से बाबा भी हमें कहते हैं कि तुम्हें सच्चा होकर रहना है, लेकिन माया हमसे झूठ बोलना सिखवाती है, है ना। कहेंगे क्या कर रहे थे, तो घर में बैठे थे, इन पता चला मूवी थिएटर में घूम रहे थे, है ना, ये कर रहे थे वो कर रहे थे। तो इतनी सारी बातें ये क्यों होती हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि कोई मनाही है, लेकिन अपने अंदर ही सच्चाई सफाई नहीं है तो झूठ बोलते हैं फिर। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि हम अपनी जांच करें कि माया हमें किस प्रकार से खोखला कर रही है। माया क्या करती है, देखो मैं एक माता की बात बताती हूँ, बहुत अच्छी स्टूडेंट, है ना, ऐसी हमें ऐसा लगता था जैसे ज्ञान इतना अच्छा समझती, लेकिन धीरे धीरे क्या क्लास मिस होना शुरू हुआ, है ना, क्लास मिस होना शुरू हुआ। तो कारण क्या है, अच्छा वो दामाद आए हैं, वो बेटी आई है, वो ये कारण बन गया, वो कारण बन गया, ऐसे करते करते कारण भी ऐसे जो कोई मना ना कर सके, है ना, बेटी का बच्चा बीमार है तो उसको देखना है, तो अब क्या करें, अब उसमें तो ऐसे भी नहीं कह सकते ना नहीं आप आओ, हालांकि हम तो उसमें भी कहते थे, लेकिन उसके बाद भी वो बात सुनी नहीं जाती है। फिर ऐसे दो दो दिन के गैप शुरू हुए, फिर पाँच पाँच दिन के, फिर ओवर 5-7 ईयर्स, आप सोचो 5-7 साल होते होते आज यात्रा बंद हो गई, आज और यात्रा में नहीं है माता। और अभी पीछे फ़ोन किया था तो कहती है अब लगता है पार्ट इतना ही था, है ना। अब दीदी क्या करें, किसी का पार्ट ऐसा ही होता है, पार्ट इतना ही था,
है ना। तो हमने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, हम तो इतने सालों से तपस्या करें, हमें अपना पार्ट पता नहीं चला, आपको अपना पार्ट तो पता चल गया कम से कम, है ना। तो ये जो बातें होती हैं इसमें हमें बहुत अटेंशन देना है। माया धीरे 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 धीरे, माया व्यर्थ विस्तार में लेकर जाएगी, कुसंग में लेकर जाएगी, है ना। हम किस लिए आए थे सब कुछ भूल जाएगा, है ना। पहले देखो किसी को पास में कोई स्थान मिल जाता है तो पहले पहले कहते हैं बहुत अच्छा है, सेंटर के पास है ना, मैं तो सोचती हूँ इससे बड़ा भाग्य ही नहीं है। लेकिन सेंटर के पास स्थान होते भी आते नहीं, फिर वो भाग्य कहाँ गया, उस भाग्य को तो ठोकर मार दी ना, है ना। क्या ऑटो नहीं मिलते, क्या गाड़ी नहीं मिलती, क्या नहीं मिलता। मानो कोई तकलीफ भी है तो क्या आ नहीं सकता, है ना। क्या दुनिया में खर्च नहीं करते। लेकिन ये सारी बातें कारण के रूप में बताएंगे। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है कि कितना कुसंग हमें लग रहा है, कितना हमारी बुद्धि व्यर्थ विस्तार में जा रही है, कितना हम झूठ बोलने लगे हैं, कितना हम बातें छिपाने लगे हैं, और ये सब कुछ अटेंशन देना है। क्योंकि देखो जब माया खत्म कर देती ना, हम भी कब तक बोलेंगे, जब तक ये खेल चल रहा है। एक बार खत्म हो जाता है तो खत्म हो जाता है, उसके बाद हम भी भूल जाते हैं कि ठीक है भाई अब ड्रामा जो है सो है। लेकिन जब तक है पार्ट तब तक तो हमारा भी फर्ज बनता है, तो हम ये बातें अटेंशन में खिंचवाते हैं। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना। बाबा ने हमें अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में बहुत अच्छी बात बताई कि जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है ना, तो आपको एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना है। तब परिस्थिति जब प्रतिकूल होती है, ये नहीं सोचना है कि अभी तो परिस्थिति प्रतिकूल है, जब अनुकूल होगी तब पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि वो अनुकूल कभी नहीं होगी, वो कभी नहीं होगी। जो ब्राह्मण बन गए, बाबा के बन गए, तब भी जो परिस्थिति तंग कर रही है, अगर हम मर्यादाहीन बन जाएं तो क्या वो परिस्थिति ठीक हो जाएगी, वो तो बद से बदतर हो जाएगी। तो आज जिस परिस्थिति के बारे में कहते हैं इस कारण से पुरुषार्थ नहीं हो रहा, क्या कल वो परिस्थिति ढीली होगी या और तेज होगी। तो इसीलिए कि अगर हमें पुरुषार्थ करना है तो हमें माया को पहचानना पड़ेगा। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि बाबा को हम पहचानते हैं, प्यार करते हैं, और बाबा खुद ही बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं, तो कोई नहीं हमें कह सकता कि हमें बाबा से प्यार नहीं है। हर बच्चा जो बाबा के घर में बैठा है बाबा से प्यार अवश्य है ना। बाबा का प्यार ही है जो खींच कर लाता है, जो क्लास कराता है, बाबा से तो डेफिनेटली प्यार है, पहचान भी है। लेकिन माया की पहचान नहीं होगी तो कई बार है ना, बाबा कहते हैं भोलानाथ के बच्चे हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनना कि माया को पहचान ना पाए। और माया को नहीं पहचानेंगे तो माया निगल जाएगी, और निगलने के बाद क्या, हाँ शांति पाठ करके विदा कर दो और क्या क्या कर सकते हो ना। अपने मन को भी शांत करो कि भाई अब जो है सो है, नहीं है तो नहीं। तो इसलिए माया के निगलने से पहले माया को पहचान कर माया जीत बनना है। प्रतिकूल परिस्थितियों में रुकने से परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो जाएंगी, फिर वो चाहे तन की बात हो मन की बात हो, है ना। कई बार मन भी ऐसा होता है, कोई कोई हमें कहते हैं हम योग करते थे पहले, योग अच्छा लगता था, अब योग करते हैं तो सिर्फ नींद ही आती रहती है ना। तो अभी क्या करते हैं, तो अभी सो जाते हैं, बैठ के सोने से अच्छा लेट के सो जाते हैं। तो मैंने कहा फिर इससे क्या होगा, नींद पूरी हो जाएगी आपकी और कल अमृत वेला होने लगेगा, ऐसा नहीं होगा।
ये मन की व्याधि बढ़ेगी। आज आपको लेट के नींद आ रही है ना, एक समय आएगा जब नींद भी नहीं आएगी और योग भी नहीं लगेगा, तब क्या करोगे, है ना। तो इसीलिए चलो नींद आ रही है तो वो बैठ के भी नहीं, है ना, धीरे धीरे चलते हुए बाबा की याद में रहें। लेकिन ऐसा नहीं कि नींद आती है तो अमृत वेला सो जाए, है ना। धन की बात है, धन ज़्यादा सफल नहीं होता तो कौड़ी तो करो, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है तो ऐसे थोड़ी बाबा के घर में नहीं देंगे तो उसी से रोटी खाएंगे, उससे तो नहीं खर्चा चलेगा ना। क्या बचा लेंगे, तो कुछ तो कड़ा दाना सफल करो, अगर कुछ नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे बनेगा, है ना। एक बार एक बहुत ऐसा कोई देश था जहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत थी, तो वहाँ पर जो सेंटर था वहाँ भाई बहनें आते तो थे लेकिन कुछ भी नहीं करते थे, और जो बहन थी उसको भी लगता था कि अब इनको क्या ही कहें, इनके वैसे ही इतनी क्राइसिस चलती हैं। तो बहन एक बार है ना दादी को कहने लगी कि दादी यहाँ तो बहुत मुश्किल है चलना क्योंकि खर्च ही नहीं निकलता, तो फिर क्या करना चाहिए। तो दादी ने एक दूसरी बहन को भेजा जो अच्छी धारणा वाली थी, तो उसने वहाँ पर सबको कहा कि आप अपना अपना होता मिल जमा करना, क्या इनकम है क्या खर्चा है सारे बच्चों को कहा, और फिर जो पोता मिल था उस आधार से कहा इतना आप सफल करो, है ना, थोड़ा 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 सबको बताया कि चलो आपकी इतनी क्षमता है, ये आपका अकाउंट्स है, आप इतना सफल करो, ऐसे इंडिविजुअली एक एक को बताया, तो वहाँ का फाइनेंशियल क्राइसिस ठीक हुआ धीरे धीरे। वो जहाँ जिस, क्योंकि वो सारे एम्प्लॉयज़ एक ही कंपनी के थे तो वो एक ही एरिया में उस कंपनी का ही मेनली एम्प्लॉयमेंट था, तो उसका कंपनी के बुक्स अच्छे होने लगे और वहाँ के क्राइसिस जो है वो ख़त्म होने लगी। और ये लोग कहते हमें तो पता ही नहीं था कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसी से और नीचे 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 जा रहे, है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं, तो इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना कि प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल बनेगी तब पुरुषार्थ करेंगे, प्रतिकूल में पुरुषार्थ करेंगे तो परिस्थिति को भी कुछ ना कुछ, है ना, मायाजीत बन के पार करेंगे। और दूसरी बात है माया को पहचानो, माया धीरे 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 जड़ें खोखली करती हैं और बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता, है ना। दे अभिमान ऐसा होता है देखने ही नहीं देता कि कल हमारी क्या हालत थी और आज क्या है, और धीरे धीरे पाठ खत्म हो जाता है और फिर क्या, फिर ना कुछ कहने को रहता ना कुछ सुनने को। इसलिए माया को पहचानना है, झूठ बोलना, व्यर्थ विस्तार में जाना, है ना, कुसंग में आना, मिस होना, है ना, जो हमारी सिस्टम, जिस सिस्टम से हम चलते आए हैं अगर हम उस पर नहीं चल पा रहे तो हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, गिव अप नहीं करना है, है ना। गिव अप किसको किया, माया को गिव अप कर दिया, ठीक है ना। और ऐसे ही आज कुछ और भी बातें दिल में आ रही थी कि आप देखो बाबा हमें कहते हैं कि दे अभिमान छोड़ो, लेकिन दे अभिमान छोड़ने के साथ देही अभिमानी स्थिति धारण भी करनी है, समझे। दे अभिमान छोड़ेंगे तो देही अभिमानी स्थिति धारण भी करनी पड़े, अगर देही अभिमानी स्थिति भी धारण नहीं कर रहे और दे अभिमान भी छोड़ दें तो आत्मा चलेंगे कैसे। वो पॉसिबल नहीं है ना। देही अभिमानी स्थिति क्या होती है, देही अभिमानी स्थिति माना मैं आत्मा अपने स्वरूप, अपने स्वपिता की याद, अपने स्वधर्म के आधार से कर्म करो ना। और देही, दे अभिमान में क्या होता है,
मेरे कर्मों का आधार शरीर, संसार, संबंधों का व्यवहार ये होता है। तो अगर हम देह अभिमान को छोड़ रहे हैं तो हमें देही अभिमानी स्थिति तो धारण करनी पड़े ना, कि मुझे अब इस आत्मा के साथ, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, संबंध में दुख हो रहा है या अपसेट हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो समझते हैं कि ये परेशानी या दुख किस कारण से है, देह अभिमान के कारण से है ना। तो सोचते हैं हम एक्सपेक्टेशन छोड़ दें, फिर एक्सपेक्टेशन छोड़ते छोड़ते अल्टीमेटली क्या करते हैं, किनारा कर लेते हैं। क्यों किनारा करते हैं? क्योंकि समझ में ही नहीं आता कि बिना एक्सपेक्टेशन के अब संबंध में चले कैसे। तो बाबा हमें कहते हैं कि देही अभिमानी स्थिति में जब हम संबंध में चलते हैं तो हमारी स्मृति में क्या रहता है कि ये आत्मा भाई है, ईश्वरीय संतान है, इसके साथ मुझे स्नेह और सम्मान से चलना है। तो अगर वो वृत्ति धारण नहीं करेंगे तो नेचुरल है कि जो पुरानी वृत्ति है उसको बदलने के चक्कर में किनारा ही कर लेंगे, है ना। लोभ से बिजनेस में नहीं जाना, तो धीरे धीरे सारे सारे दिन यही संकल्प चला, मैं लोभ में तो नहीं हूँ, मैं लोभ में तो नहीं हूँ, कहीं मुझे लोभ तो नहीं आ रहा। लेकिन बाबा ने कहा कि निमित्त भाव से कार्य करो, तो उस निमित्त भाव को धारण करना। ऐसे नहीं मुझे लोभ नहीं रखना, लोभ नहीं रखना, लोभ नहीं रखेंगे, लोभ नहीं रखना, लोभ नहीं रखा, सारे दिन यही सोच रहे हैं इसमें लोभ तो नहीं है, ये लोभ तो नहीं कहा जाएगा, यहाँ मैं लोभी तो नहीं हो गया, तो सारे दिन इसी टेंशन में जो बिजनेस है उस पर ध्यान ही नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि निमित्त भाव को धारण कर, ट्रस्टी बनकर, कि सारा ये कारोबार किसका है, बाबा का है, और मैं मैनेजर हूँ, तो बाबा का कार्य है तो मुझे बहुत अच्छे से संभालना है, बाबा ने मुझे ड्यूटी दी है ना। तो ये निमित्त भाव रखकर जब चलेंगे तो कार्य भी अच्छा संभालेंगे और ये भी नहीं रहेगा कि मेरा है, क्योंकि कोई भी चीज़ हुई, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, जो भी हुआ वो बाबा का हुआ, है ना। तो मैंपन, मेरेपन से फ्री होकर निमित्त भाव से चलना है। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं देही अभिमानी स्थिति की चलन चलेंगे तब तो देह अभिमान से मुक्त होंगे, है ना। अब मान लीजिए आपको किसी का रंग रूप, देश रंग रूप, नाम रूप नहीं देखना, तो क्या देखना है वो भी तो सोचो ना। कि बस सोचे मुझे इनका नाम रूप नहीं देखना तो आँख बंद करके थोड़ी बैठेंगे, तो देखना क्या है, तो बुद्धि का नेत्र खोलकर ये आत्मा सामने बैठी है, और इस आत्मा, ये शुद्ध पवित्र ज्ञान स्वरूप आत्मा है, इससे मैं बात करूँगा तो इसको जो बाबा की बात मैं समझाऊँगा वो समझ आएगी, वो फेथ के साथ मुझे उसके साथ ऑपरेट करना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये होता है कि क्या नहीं करना है वो तो बहुत अच्छा समझते हैं, क्या करना है वो नहीं समझते, है ना। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि संबंध में विकारी संबंध ना हो, आत्मिक संबंध तो हो ना, पर पता चला विकारी संबंध, है ना, हम अपवित्र ना हो जाए, अपवित्र ना हो जाए, इतना डर गए कि अपना जो वाइब्रेशन ही इस प्रकार की है कि किसी को अवॉइड कर रहे हैं। क्या आपको स्वमान नहीं है, आपको डर लगता है कोई जबरदस्ती पतित बना देगा क्या, है ना। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपकी मर्जी के से बिना कोई पतित नहीं बना सकता, है ना। मुझे एक माता कहती थी कि मेरे युगल बहुत विकारों के लिए तंग करते हैं, तो अब मुझे इतना डर लग गया है कि मैं रात को सोती हूँ तो भी कोई आवाज़ हो जाती है तो मैं घबरा के उठ जाती हूँ। तो मैंने कहा बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा था कि ट्रॉमेटाइज्ड पवित्र बनो, कि किस तरह का पवित्र बन है ना। तो आपको ये निश्चय नहीं है क्या कि आप आत्मा मालिक हो, है ना, इस देह की मालिक हो ना, कोई आपकी परमिशन के बिना आपको कुछ थोड़ी कर सकता है। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको अंदर नहीं है
इसीलिए तो आपको डर लग रहा है ना, या बाबा मेरे साथ है, मैं शिव शक्ति हूँ, पवित्र दिव्य आत्मा हूँ, ये स्वमान नहीं है, इसीलिए तो इतना भय है ना। तो स्वमान रखना है, आपको कहना ना पड़े, है ना। आपका आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वाइब्रेशन, आपकी सीरत भी बता देगी, सूरत से भी पता चल जाएगा कि इनके साथ उलझना नहीं है, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं इतना अपने अंदर बल भरेंगे ना, सिर्फ ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं, उसके लिए क्या अवस्था बनानी है उसकी भी तो तैयारी करें। अगर अवस्था ही नहीं है तो फिर नेचुरल है कि बाहर से हम हमारे हमारे कर्म अलग लग रहे हैं और हमारी वाइब्रेशन अलग है। वाइब्रेशन कमज़ोरी की है, वो विपरीत परिस्थितियों को, विघ्नों को अट्रैक्ट कर रही है, और हम कह रहे हैं कि हमें पवित्र रहना है, निर्विकारी रहना है। तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं कि जो करना है वो करो, आत्म अभिमानी बनना, अपने स्वमान को जागृत करना, बाबा की याद से बल भरना। अगर ये नहीं करेंगे तो बाकी जो चीज़ें सोचते हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उसी में बुद्धि उलझी रहेगी, और धीरे धीरे किनारा करने का, डरने का, इस प्रकार के भी स्वरूप आ जाएंगे, है ना। या मान लीजिए कई बार ऐसे कहते हैं ना कि मुझे किसी को क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, तो अपनी क्रोध के संस्कार से इतना डर जाते हैं कि जहाँ पर कहना हो वहाँ भी कह नहीं पाते। कहते हम तो कह ही नहीं पाते, तो क्यों नहीं कह पाते, अपने क्रोध से डरे पड़े, है ना। तो अपने क्रोध से अपने क्रोध से डरना है, लेकिन बाबा से जो स्वमान मिला है, जो समझ मिली है, आपको उसको भी तो ट्रस्ट करना है ना। ऐसे थोड़ी कि किसी को भी कुछ भी कहते ही दिल खाती रहती है ना। किसी को कोई शिक्षा भी दी, समझानी भी दी, कोई बात कहनी तो पड़ेगी ना। अब कहा तो फिर बैठे दसों को पूछ रहे हैं मैंने ठीक कहा ना, है ना। ऐसा तो नहीं उनका दिल दुख गया होगा, क्यों, क्योंकि अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम जो राइट बात है वो कह रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इतना स्वमान रखना है, हम ज्ञान स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त बोल बोल सके, इतना ना अपने संस्कारों से डर जाए कि जहाँ जो चीज़ कहनी है वो कह ही ना पाए, है ना। मुझे याद है एक बार एक ऐसे बाबा के घर की बात है, तो वहाँ पर किसी ने ओपिनियन पूछा किसी को, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा वहाँ पर, तो बाद में फैसला हो गया, उसके बाद कहा कि ये तो मुझे पसंद नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बोले आपको पूछा था तो कहा क्यों नहीं, तो बोले हमें लगा कि वो बताना शायद ठीक नहीं होगा, या आप लोग जो कर रहे हैं वही ठीक होगा। तो फिर जब बताना आपको ठीक नहीं लगा, तो फिर इतनी शक्ति होगी जो फैसला हुआ वो आपको ठीक लगे, और अगर आपको पूछा गया तो आप बता क्यों नहीं पा रहे, आपको तो वहाँ पर पूछा गया ना। बाबा कहते बालक सो मालिक बनो, जहाँ पूछा जाए वहाँ क्यों नहीं बताओ। हाँ, जहाँ पर फैसला हो गया फिर वहाँ स्वीकार, अब क्या ना बालक बने ना मालिक बने, जहाँ मालिक बनने को कहा वहाँ बालक बन गए, और जब फैसला हो गया तो वहाँ मालिक बन रहे कि भाई हमें ये फैसला पसंद नहीं। तो बाबा हमें कहते ये सारी चीज़ें अपने अंदर चेक करनी है कि क्या हम सचमुच देही अभिमानी बन रहे हैं। देही अभिमानी इज नॉट ईगो लेस, इट इज मच मोर। देही अभिमानी स्थिति तो बहुत शक्तिशाली, युक्ति युक्त, बहुत स्वमानधारी स्थिति। तो अगर देही अभिमानी ना बने तो नेचुरल है कि कुछ ना कुछ देह अभिमान रहेगा, लेकिन जो आपका पुराना देह अभिमान का स्वरूप था वो बदल के नया बन जाता है, तो हमें लगता है कुछ चेंज आ गया है, है ना। पहले पहले डरते थे, है ना, अब आक्रामक हो गए।
तो लगता है कि अच्छा हमारा देहाभिमान खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में देहाभिमान खत्म नहीं हुआ है, उसका रूप बदल गया है। तो माया कितने प्रकार से हमें फटकारती है ना। पहले एक माता होती थी, मुझे कहती मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते, मैं किसी से बात नहीं कर पाती, मुझे किसी से भी रिलेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो हमने कहा ठीक है बाबा के बनो, बाबा फ्रेंड बनता है, जो जो फ्रेंड भी नहीं बना पाते उनका भी बाबा फ्रेंड बनता है। और उसके बाद बाबा के पास आई तो फिर उसके बाद इतने फ्रेंड्स बनाई बाहर कि बाबा को ही छोड़ दी, है ना। तो मैंने कहा ज़्यादा बात करना सीख गए आप, पहले बात करना आता नहीं था, अब ज़्यादा बात करना आ गया, तो ये भी देहाभिमान ही है। तो कहते नहीं, बाबा कहते ना अपने अंदर कोई फ्लॉ है तो ठीक करो, तो फ्लॉ एक फ्लॉ छोड़ के दूसरा फ्लॉ थोड़ी धारण कर लेना। तो ये भी सारी चीज़ें जो हम एक एंड से दूसरे एंड में माया हमें झुलाती रहती है ना। और जब ऐसे झुलाती हैं तो हमें लगता है अच्छा कुछ परिवर्तन तो हो रहा है, पर क्या वो परिवर्तन है जो बाबा कहता है, या ये तो ऐसे ही है ना, परिवर्तन की आड़ में माया हमें ठग रही है। तो ये भी एक से तो ये भी हमें चेक करना है। और फिर आज ऐसे दिल में ये भी आ रहा था, जैसे कल बाबा ने कहा कि तुम्हें कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादाएं छोड़नी है, लेकिन फिर गॉडली मर्यादाएं धारण भी करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कलयुगी मर्यादाएं छोड़ रहे हैं और गॉडली मर्यादाएं भी धारण नहीं कर रहे, है ना। तो उनकी हालत क्या हो जाती है, मर्यादाहीन वाली, कोई मर्यादा ही नहीं है, ठीक है ना। तो कलयुगी मर्यादा क्या है कि लौकिक में जो बड़े हैं, जो बाप टीचर सतगुरु हैं, उनकी सुनो, है ना। दुनिया में कहते हैं माता पिता जो भी कहें वो करो, है ना, या शिक्षक जो भी कहें वो करो। तो बाबा कहते हैं वो भी आत्मा है, वो भी विकारी है, वो भी पतित है, हो सकता है वो आपको राइट गाइडेंस ना दे रहे हों, लेकिन फिर बाबा कहते हैं परम पिता परम शिक्षक सतगुरु की सुनो, जो मैं कहता हूँ उसको सुनो। लेकिन पता चला वहाँ भी सुनना बंद कर दिया और यहाँ भी सुन ले रहे। आजकल कई ऐसे आते हैं, उनको पूछो, जैसे मेरे पास एक बार एक माता एक कन्या को लेकर आई, तो कहती ये दीदी अब इस पे ना किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसको कैसे संभालें, ये कुछ भी कर रही है। तो मैंने कहा किसकी सुनती है, बोलती किसी की नहीं सुनती। मैंने कहा किसी की तो सुनती होगी दुनिया में, पिता की, भाई की, बहन की, कोई चाचा काका मामा होगा, किसी की तो सुनती होगी। कहते किसी की भी नहीं सुनती। मैंने कहा कोई फ्रेंड होंगे जिनकी सुनती, बोले फ्रेंड्स की भी नहीं सुनती है ना। और इसको कोई बताने वाला ही नहीं है कि जिस प्रकार से तुम चल रहे हो तुम्हारा आगे बहुत नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि मान लो ईश्वरीय मर्यादा नहीं है तो कम से कम लोक लाज कुल की मर्यादा ही रहे। अगर वो भी नहीं है और ये भी नहीं है तो बड़ा मुश्किल है ना। अब बाबा कहते हैं कि काम विकार जो है उस पर जीत पाओ, है ना। लेकिन अब दुनिया में देखो काम जीत बनने की बात नहीं है, लेकिन कहते हैं चलो फिडेलिटी रखो, है ना, एक देहधारी का बन कर रहो। लेकिन अभी क्या है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। दुनिया में आज क्या चल रहा है, कहते हैं कि एक का बन कर रहने की क्या बात है, और फिर एक का भी नहीं बन, एक का बनना भी छोड़ दिया, बाबा का भी नहीं बने, पवित्र भी नहीं बने, और विकारों में गोते खा रहे हैं। तो कम से कम कलयुगी मर्यादा भी अगर धारण करते तो वो भी एक के साथ पतित बन रहे थे। अब कई तो ऐसे होते हैं वो मर्यादा भी नहीं, ये मर्यादा भी नहीं,
तो इसलिए अपने अंदर मर्यादाओं को रखना है, संबंध है ना। बाबा कहते हैं, बाबा हमें पहली बार संबंध में ना कहना सिखाते हैं ना। मान लो कोई संबंध है लेकिन वो आपको श्रीमत के विरुद्ध कुछ कह रहे हैं, तो आप उन्हें पहले कहते थे हम ना नहीं कर पाते किसी को, अब आपको बाबा ने ना करना सिखाया। अब पता चला ना करते करते बाबा के लिए जो श्रीमत है कि बाबा को हमेशा हाँ जी करो, वो भी छोड़ दिया है ना। ऐसा ना करना सीखे, जो बाबा भी कुछ कहता है तो 10 कारण दे देते हैं। पहले कोई कहता था मार्केट चलो, तो उसको ना नहीं कर पाते थे, और आज उसको भी ना कर रहे हैं, और यहाँ बाबा को क्या कह रहे हैं ना, क्लास तो आना बहुत मुश्किल है ना, हमें बार बार कहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, तो आप कम कहाँ करें। तो ये सब भी क्या है, ये सब भी मर्यादाहीन हो जाना है। बाबा हमें कहते हैं सब संग तोड़ एक संग जोड़ो, ऐसे नहीं कि सब संग तोड़ कर ऐसा बन जाओ जो तुम्हारा कोई माई बाप ही नहीं। तो एक संग जोड़ना भी तो पड़े ना। तो ये सब बातें भी बहुत विचार करने की है ना। मुझे एक कन्या थी, तो एक बार उसने बहुत अजीब सी बात मुझे कही कि किसी भाई को ना बहुत चिट्ठियाँ लिखी है ना, लिखती चली जाए उसको, उसकी तरफ से कोई जवाब ना आए, वो लिखती चली जाए। तो फिर वो बात सामने आई हमारे, तो मैंने उस कन्या को कहा कि आप ये जो चिट्ठियाँ लिखते चले जा रहे हो, वो जवाब भी नहीं दे रहे, तो आप क्यों लिखते चले जा रहे हो, आपको ख़राब नहीं लग रहा कि उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं है और आप चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ लिख रहे हो। तो मुझे कहती हैं कि बाबा ने कहा है ना दीदी, इतना दे अभिमान में नहीं लेना होता है, कोई आज रेस्पॉन्ड नहीं किया कल करेगा, तो इतना दे अभिमान में नहीं लेना होता। तो मैंने कहा बाबा ने आपको दे अभिमान में नहीं लेना कहा, वो याद है बाबा ने थोड़ी ना कहा भाइयों को चिट्ठियां लिखते रहो। तो वो नहीं समझ में आया कि हमें बस बाबा को चिट्ठी लिखनी है, किसी को चिट्ठी नहीं लिखनी है ना। तो ऐसा हो जाते हैं कि एक एक बात को पकड़ेंगे और दूसरी को ऐसा इग्नोर करेंगे कि बात मत पूछो है ना। बाबा ने थोड़ी कहा है कि आपको कोई अच्छा लग गया, आकर्षण हुआ तो चिट्ठियाँ लिखो, बाबा ने तो कहा योग करो और उस आकर्षण को भस्म करो, वो तो आपके पुराने संस्कार हैं ना। तो ये जो मर्यादाहीन होना है ये कई प्रकार से होता है, क्योंकि आत्माएं देखो माया ना अंदर बैठी है, मुरली सुन रहे हैं तो माया भी सुन रही है कि ये क्या सुन रहे हैं, फिर माया आपको उस मुरली का एक ऐसा रिफाइंड वर्जन सुनाती है ना, कि जहाँ माया का काम भी अच्छा चलता है और बाबा से भी आपको दूर करके रखते हैं। तो इसलिए इन बातों से बहुत केयरफुल रहना है। और आज बाबा हमें कहते हैं मैं आया हूँ तो तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। और बाबा 3 प्रकार के बच्चे बताते हैं, एक जो सजाएं खाकर जाएंगे, दूसरा जो श्रीमत पर चलेंगे पर ज़्यादा कमाई नहीं करेंगे और जाएंगे, और तीसरा जो कमाई करके जाएंगे है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जाना तो है ही है, अब जाना है या नहीं जाना है वो मैं तुम्हें नहीं पूछ रहा हूँ, जाना है कैसे जाना है वो तुम सोचो, सजाएं खा के जाना है या ऐसे जाना है कि बस चले अलबेले होके है ना, जितना ड्रामा ने पुरुषार्थ कराया कर लिया है ना, ऐसा करना है या सच में है ना ड्रामा माया को चैलेंज करके और अपना भाग्य बनाकर जाना है। तो बाबा हमें आज लक्ष्य देते हैं कि
सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म बन के हमें जाना है ना। तो हमें इस समय ये समझना है कि जो भी संस्कार हमें सत्युग में चाहिए वो हम अभी धारण करें, और संस्कारों में स्थूल और सूक्ष्म दोनों हैं, चाहे वो उठने सोने खाने पीने देखने सुनने के संस्कार हों, चाहे वृत्ति दृष्टि के संस्कार हों, हर प्रकार के संस्कार हमें अभी धारण करने हैं, है ना। और मूल सत्युग में क्या संस्कार होगा? सत्युग में कभी किसी को देखकर या कुछ देखकर हमें ये नहीं आएगा ये रॉन्ग है मैं राइट हूँ। कंप्लीट एक्सेप्टेंस, नीचा ऊंचा रॉन्ग राइट का भान नहीं होता, है ना। इसीलिए बाबा आज हमें मुरली में श्रीमत क्या देते हैं रोज की, मुझे देखते हुए भी नहीं देखना है। किसी को दिखाई ना दे तो लाइफ कितनी इजी है ना, ना ड्रेस दिखता है ना एड्रेस दिखता है ना रूप रंग दिखता है ना, कुछ भी नहीं दिखता है ना। कोई कोई कर्म भी कर रहा है तो आप नहीं देखते ना। तो देखने के कारण अब देखो हर आत्मा अपने पार्ट से बंधायमान है, वो जो भी कर रही है उसको कल्प कल्प वही करना है, लेकिन हम उसको देखकर कितने सारे संकल्प और भावनाएं क्रिएट करते हैं। आप सोचो बस ये आंखों से देखने से कितने संकल्प भावनाएं क्रिएट होते हैं ना, सिर्फ देख के। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखो, साक्षी होकर रहो। इसीलिए बाबा हमें हर चीज की श्रीमत देते, ये जो बाबा इस समय जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई में बाबा हमें जो जो सिखाते हैं वो सत्युगी संस्कार बनाने की विधि है। बाबा हमें कहते हैं कि तुम मुझे याद करो। आप सोचो कि आत्मा पर जितनी भी जंक लगी है, जो जंक अभी संस्कारों के रूप में हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, समय का, परिस्थितियों का, आत्माओं का, स्वभाव संस्कारों का, जो भी हम पर प्रभाव होता है ना, हम टाइम कॉन्शियस हैं, बॉडी कॉन्शियस हैं, हम रिलेशनशिप कॉन्शियस हैं, रोल कॉन्शियस हैं, हम प्रॉपर्टी या पोजीशन या है ना ये कॉन्शियस हैं, नाम रूप के कॉन्शियस हैं, तो ये सारा जो है ये आत्मा पर कट है जो चढ़ी हुई। इवन टाइम कॉन्शियस भी है ना, ये जो हम टाइम कॉन्शियस होते हैं, टाइम कॉन्शियस माना है ना सुबह दोपहर शाम रात है ना, बूढ़ा बच्चा जवान, ये सब तो टाइम का एस्पेक्ट है ना। तो बाबा कहते हैं ये टाइम कॉन्शियस भी बॉडी कॉन्शियस है। परमधाम में टाइम होगा? परमधाम में आप घड़ी देखेंगे? परमधाम में घड़ी नहीं होती, यहाँ घड़ी होती है, कैलेंडर होता है ना, मौसम होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है तो हिंदी कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर है ना आपका ना, कितनी सारी चीज़ों की हम कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अभी तुम ये सारी चीज़ों से निकलने के लिए तुम्हें मैं जो सिखाता हूँ उसकी कॉन्शियसनेस में रहो। तो बाबा हमें अभी देखो, बाबा हमें मुरली में राहु की दशा, बृहस्पति की दशा है ना, तो लोग कितनी चीज़ों के में पड़ गए ना, आज आत्मा कितनी एस्ट्रोलॉजी कॉन्शियस हो गई तो बाबा हमें अब सब चीज़ों से निकालते हैं। इसीलिए बाबा कहते बाबा की याद में रहो। बाबा की याद में क्या है, हमेशा संगम युग है,
बाबा की याद में सुबह 4 बजे भी संगम योग है, रात को 10 बजे भी संगम योग है, हर समय अच्छा समय, हम पर बृहस्पति की दशा है ना। तो बाबा हमें ये नहीं कहते, कई बार ऐसे कहते हैं ना, बादल छाते हैं तो हमें ऐसा लगता है, ये होता है तो ऐसा लगता है, क्यों? जिस दिन बादल छाए उस दिन आप संगम युग में नहीं, बाबा की छत्र छाया में नहीं बैठे, है ना। कई मंगलवार बुधवार शुक्रवार की कॉन्शियसनेस में भी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इन सब चीज़ों से अभी निकलना, और आप अगर लिस्ट बनाएंगे ना, इतनी सारी बुद्धि में कचरा भरा पड़ा है कि वो जो आत्मा की स्थिति सत्युग में थी कि उसको किसी चीज़ की कोई, है ना, कॉन्शियसनेस नहीं थी किसी बात से, चाहे वो समय हो, चाहे बाहर की परिस्थितियां हो, आत्माएं हो, उनसे उस आत्मा की वाइब्रेशन में, संकल्प में, भावना में अंतर नहीं पड़ता था। सत्युग में हम सदा सुख स्वरूप, सदा शांत स्वरूप, सदा मीठे, सदा स्नेह स्वरूप रहते। और अभी आप देखो हमारी जो फ्लक्चुएशन है ये कितनी सारी बातों से होते हैं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हें अपना बुद्धियोग सारा निकाल कर सदा मेरी याद में रहना। और मेरी याद में क्या है? मेरी याद में सदा सुख शांति स्नेह के सागर की लहरों में समाए हुए हो तुम। तुम किसके साथ हो, किस परिस्थिति में हो, उसका सेक तुम्हें नहीं लगेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, आज बाबा क्या कहते हैं, बीमार हो तो भी मेरी याद में रहो, ना? बीमार हो तो बीमार कॉन्शियस नहीं हो जाओ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, उससे क्या होगा, बीमारी चली जाएगी। बीमार हो तो बाबा की याद में रहो। फिर बाबा क्या कहते हैं, घूमने फिरने जाते हो मेरी याद में रहो, ना? घूमने फिरने भी गए, अच्छा दुख में तो बाबा बाबा बाबा, है ना, थोड़ा मनोरंजन क्या मिला, तो बाबा भूल गया, है ना। अभी एक बहन ने बहुत अच्छी मुझे बात कही, कहती है कि दीदी वो ना घर जाने से ना भोजन बुन के हाथ का खा लो ना, बहुत असर हो जाता है, पता नहीं दूसरों पे इतना नहीं होता, मेरे पे पूरा हो जाता है। तो मैंने कहा क्या असर हुआ, तो कहती मुरली भी नहीं सुनी मैंने 4-5 दिन। मैंने बोला एक तो मुरली नहीं सुनी, दूसरा उस पे डाल दिया कि भोजन खाने से नहीं हुआ। हाँ क्या कर रहे थे जब मुरली का टाइम हो रहा था, भोजन खा रहे थे सारे टाइम, 24 घंटे भोजन खा रहे थे क्या, है ना। तो इतना मस्त हो जाते हैं और आके फिर हमें ही ज्ञान सुना देते हैं कि वो भोजन के कारण बुद्धि फिर गई। तो भोजन के कारण बुद्धि फिर गई तो 2 दिन जब पता चल गया था बुद्धि फिर गई तो भोजन नहीं खाना था ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सारी जो हमारी एक्सक्यूजेस चलती है और कितनी सारी चीज़ें, ये सब क्या है। तो घूमने फिरने जाते हैं तो भी बाबा की याद में रहना, वहीं शरीर छूट गया तो क्या अंत मत स्वागत ही नहीं चाहिए क्या, वापिस आके तपस्या करके ही शरीर छोड़ेंगे, कोई गारंटी। फिर बाबा कहते काम काज करते भी, कितना भी कैसा भी काम हो, कई ऐसे भी काम काज होते हैं जिनमें बुद्धि बहुत बिजी होती है, इन बाबा कहते बीच बीच में बुद्धि को काम से न्यारा कर मेरी याद में रहो। और भले ही काम काज कर भी रहे तब भी एक आँख अवेयरनेस के रखो कि मेरा बुद्धि योग कहाँ है। तो जब बाबा कहते, और आप सोचो कि जब बाबा हमें कहते हैं सिर्फ योग से ही विकर्म विनाश होंगे, तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि कितना विकर्मों का खाता है, कितनी कट चढ़ी हुई है, है ना। कई बार वो विकर्मों का खाता सिर्फ संकल्प और भावना तक रह रहा है, है ना। हमारे संकल्प और भावनाएं शुद्ध और शुभ नहीं हो पा रहे,
तो हम सोचते कर्मों में तो नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। लेकिन आप सोचो कर्मों में भी कितने विकर्म बनते हैं, और भावना और संकल्प के रूप में तो कितनी अशुद्धता रहती। तो सारा क्या है, विकर्म का खाता है ना। तो उस इतने बड़े खाते को दग्ध करने के लिए एक विधि है, आत्मा समझ बाप को याद करो। और बाबा कहते हैं अभी अगर सर्वगुण संपन्न बन के जाना है तो ये एक विधि पर बहुत अटेंशन देना, और इसके अलावा पवित्र बनना, सेवा। आज बाबा क्या कहते हैं है ना, भले कितना भी खर्चा हो लेकिन सबको संदेश मिलना चाहिए और हमें जिम्मेवारी लेनी। और बाबा में कहते हैं पवित्रता भी, ऐसा पवित्र बेगर बनो जो किसी चीज़ में मैंपन मेरापन ना रहे। ओके, ओम शांति।